नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। IRCTC में कई बार हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो नाम गलत हो जाता है, एड्रेस गलत हो जाता है, मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, ईमेल एड्रेस को अगर आपको चेंज करनी है, नाम चेंज करनी है, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे चेंज करेंगे। हमारा एड्रेस गलत हो गया तो, नाम गलत हो गया तो कैसे चेंज करेंगे, मेल फीमेल से गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो कैसे चेंज करेंगे। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आए हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन उसमें थोड़ा कंप्लीट जानकारी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आपने कुछ गलत कर दिया है, मान लीजिए कि आपने नाम गलत कर दिया है तो उसे आप कैसे अपडेट करेंगे, मोबाइल नंबर गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को, एड्रेस आप अपना पूरा एड्रेस को, फादर नेम को, इस तरह के क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो आपको अपने IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ऑलरेडी मैं लॉगिन कर चुका हूँ इसे। अब आपको माई अकाउंट पे आ जाना है, नीचे क्लिक करना है माई अकाउंट पे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का दिखने लगेगा। अब आपको ऊपर में एक एडिट का एडिट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू कलर में है, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका, आप ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने अपना हाइड करके रखा है, छुपा करके रखा है, उसे ब्लर किया है तो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, अपना फादर्स के नाम चेंज कर सकते हैं, अपना पता को चेंज कर सकते हैं, सब पूरा डिटेल को आप चेंज कर सकते हैं और क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हालाँकि एक बार आप, हम आपको जानकारी देंगे कि आप, आपको एक बार ट्राई करने का हम एक मेथड भी बताएंगे जिस मेथड से हो सकता है कि आपका चेंज हो जाए। लेकिन मेरा तो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा तो सब कुछ सही है, तो मैं ट्राई गलत करने के लिए थोड़ी करूँगा, ठीक है। लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे जो तरीका से आप हो सकता है कि आपका चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको सब आपका ID, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ID मेरा कैसे चेंज होगा, यूजर आईडी कभी चेंज होता है क्या? आप बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं, कभी चेंज होगा? ईमेल एड्रेस आपका चेंज होगा, मोबाइल नंबर चेंज, मोबाइल नंबर बहुत सारे लोग चेंज करेंगे कि मोबाइल ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे आईडी चेंज नहीं होती है और आपका नाम नहीं चेंज होगा, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आईडी चेंज करने की आवश्यकता ही क्या है, ये तो आवश्यकता किसी को नहीं होता है, लेकिन नाम बहुत सारे लोग गलत करते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, मेल फीमेल गलत हो जाता है, उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चाहते हैं कि आप ट्राई करें चेंज करने के, अगर आपने गलत कर दिया है तो हम आपको एक बार सलाह देंगे कि आप एक बार, मैं एक मेथड बता रहा हूँ अभी, एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके के अपना करके हो सकता है कि आपका चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या है, चलिए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं। ये तो जो कुछ भी आपको चेंज करना होगा यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप ये सब जो है एक महीना में आप एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं करो, जो मोबाइल नंबर चेंज करो, ईमेल एड्रेस चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सारा डिटेल यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मेल फीमेल गलत हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो उसे, या नाम गलत हो गया है तो आप उसे कैसे चेंज कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आप नीचे में आप आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, ठीक है, सबसे लास्ट में मोर पे क्लिक कीजिए, कॉन्टेक्ट यूज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको केयर, यहाँ पे IRCTC का ऑफिशियल मेल है care@IRCTC.co.in, इस पर आप मेल लिख करके भेजिए, वो भी अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, ठीक है। ध्यान रखें कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ही मेल भेजिएगा जो आपका IRCTC के साथ मेल है। आपको मेल भी देखने को मिला होगा वहाँ पे, जहाँ पे अपडेट करने के लिए हम लोग गए थे, ठीक है। तो उसी ईमेल एड्रेस से आप care@IRCTC.co.in पर आप मेल भेजिए और वहाँ पर अपना विवरण, पूरा डिटेल लिखिए कि आपको
क्या आपका पहले क्या था और अब आप क्या मतलब कि चेंज कराना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका अपना आईडी, अपना नाम लिख दीजिए, अपना आईडी लिखिए कि मेरा गलत हो गया है, मेल फीमेल गलत हुआ है या डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है, वो चीज़ आप बताइए कि मेरा पहले ये था, अब मुझे ये कराना है। उस तरह से आप ईमेल भेज करके आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, हो सकता है कि आपका वहाँ से हो जाए, लेकिन आप खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ISETC वाले हो सकता है कि उन लोग कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ही अपना रजिस्टर्ड जो भी ईमेल एड्रेस है उसी से ईमेल भेजिएगा, care@ISETC.co.in। इसी यही एक तरीका है कि आपको हो सकता है, नहीं तो आपको मतलब कि नहीं होगा। फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर, ये तीन चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने दिखाया भी। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। और एक बार गलत हो गया हो आपका मेल फीमेल नाम में सब, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए care@ISETC.co.in पे मेल भेजिए अपना रजिस्टर्ड ईमेल।